हेलो क्रेजी मॉम्स, यू आर लिसनिंग मी। आज मैं बात करने वाली हूँ मदरहुड और आई विल से मेंटलहुड के बारे में, क्योंकि हम एक परफेक्ट मदर बनने की कोशिश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मेंटल हो ही जाती है। आर यू एग्री और नॉट? यस एग्री, टाइप यस इन कमेंट। एंड इट्स नॉट आवर फॉल्ट, लिटरली इट्स नॉट आवर फॉल्ट, क्योंकि इस समाज ने, सोसाइटी ने हमारे सामने एक पिक्चर फ्रेम कर रखी है एक परफेक्ट मदर की, जिसमें माँ के बहुत सारे हाथ हैं देवी वाली। आप सभी ने आई एम श्योर सोशल मीडिया पे देखी होगी, जो मदर्स डे के दिन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप, सब जगह पोस्ट होती है वन मदर विथ मैनी हैंड्स। एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में कुकर, एक हाथ में बेलन, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में पोछा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इस तरह से आठ हाथों से आठ काम करती हुई माँ विद अ ब्लीसफुल फेस और ऐसी ब्लीसफुल स्माइल ऑन हर फेस, बिना किसी शिकन के, बिना किसी टेंशन के, बस हंसी से, खुशी से अपने सारे काम निपटाती हुई एक माँ। और हम सब पे सोचते हैं यार मैं ही परफेक्ट माँ हूँ, क्योंकि मैं ये सब काम करने में इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे जब इतने काम एक साथ करने पड़ते हैं तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो जाती है, तो मैं डिप्रेस्ड फील करने लगती हूँ। तो आप अकेली नहीं हैं, ऐसी कई सारी माएँ हैं, एक्चुअली सारी माएँ यही चीज़ फेस कर रही हैं। ये सिर्फ एक सोशल इमेज बना रखी है माँ की, जो कि पूरी तरह, जो हम कह सकते हैं मिसलीडिंग है, रॉन्ग है। तो उस सोशल इमेज को फॉलो करने के चक्कर में अपने आप को ना खोए। हर माँ थकती है, हर माँ कभी कभी कोई गलती कर देती है, हर माँ अपने बच्चों पर कभी कभी चाहते ना चाहते गुस्सा निकाल देती है, हर माँ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होती है। नो मदर कैन बी अ परफेक्ट मदर, बट वी कैन बी परफेक्ट विथ आर ओन इम्परफेक्ट यूनिकनेस। मतलब हम अपनी इम्परफेक्ट चीज़ों के साथ ही एक परफेक्ट मदर हैं, अगर हम अपने बच्चों को खुश रख पाते हैं, सिर्फ छोटी मोटी खुशियां दे पाते हैं। हमें हर जगह परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे आपसे खुश हैं, अगर आपके बच्चों को कोई पूछे कि आपकी मम्मी आपको कैसी लगती है, और वो बोल देते हैं कि मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मी है, तो आप में चाहे लाखों फ्लॉज हो, नो मैटर, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए परफेक्ट मदर हैं। क्योंकि आपकी तरह आपके बच्चों को कोई और प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि माँ का जो फीलिंग्स होती है, इंस्टिंक्ट्स होती है अपने बच्चे के लिए, वो कोई और ला ही नहीं सकता। तो ये कोशिश करने में कि हम एक परफेक्ट मदर बने, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, इरिटेट ना हो, क्योंकि उससे आप अपने इम्परफेक्टनेस का जो स्ट्रेस है, जो गुस्सा है, वो अपने बच्चे पे ही निकालेंगे, और उससे आप दोनों का जो बाउंडेशन है, जो कनेक्शन है, वो लूज होगा। तो आपको सिर्फ एक हैप्पी मॉम बनना है, ना कि परफेक्ट मॉम, क्योंकि परफेक्ट मॉम जैसा कुछ होता ही नहीं। इट्स जस्ट अ मिथ, परफेक्ट मॉम इज अ मिथ, बट अ हैप्पी मॉम इज अ फैक्ट। अगर आप हैप्पी हैं तो आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से हैप्पी रख सकती हैं। और एक हैप्पी मदर ही एक हैप्पी चाइल्ड, एक सक्सेसफुल चाइल्ड, और एक ऐसा चाइल्ड जो हमेशा मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग रहे, ऐसा चाइल्ड रेज कर सकती है। सो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी। और जितने भी फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड, रिलेटिव, दादू, दादी, नानू, नानी, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, सास, ससुर, मम्मी, पापा, ऑल, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, डोंट फोर्स योर डॉटर इन लॉ, डॉटर और योर वाइफ टू बी अ परफेक्ट मदर। उन्हें ये मत बोल कहिए कि पहले की औरतें आठ बच्चे संभाल लेती थी, तुमसे एक नहीं संभल रहा। पहले की जनरेशन बहुत अलग होती थी, पहले बच्चे रोड पे क्रिकेट, गिल्ली डंडा खेलते हुए बड़े हो जाते थे। आज हम बच्चों को रोड पे खेलने नहीं भेज सकते बिकॉज ऑफ मैनी सेफ्टी रूल्स। अगर आप बच्चों को गार्डन लेके जाते हैं तो वहाँ भी आपको साथ में जाना पड़ता है। आवर सोसाइटी इज बिकम मोर अनसेफ देन बिफोर। बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे चेंजेस आए हैं बच्चों में, बच्चों के बिहेवियर्स में ट्रॉमास बढ़े हैं, बच्चों के टेंट्रम्स बहुत बढ़े हैं, ज़्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम करने वाले बच्चे हाइपर एक्टिव बच्चे हो जाते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ
एक ऐसे बच्चे को हैंडल करना जो बहुत अलग है उनसे खुद से, और एक बच्चे को हमेशा समझते हुए, उनकी फीलिंग समझते हुए, उन्हें एक अच्छी माँ बनने की कोशिश वो खुद भी करती है हमेशा। पर अगर वो कहीं फेल हो जाती है और आप उन्हें बोलते हैं कि तुम अच्छी माँ नहीं हो, तो वो फिर कई बार गिल्ट जोन में चल जाती है कि यार सब कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। पर ऐसा नहीं है, कोई नहीं कर पाता। आजकल हर माँ स्ट्रगल कर रही है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत अलग है और उन्हें हैंडल कैसे करना है ये हमें पता ही नहीं। हम सब सीख रहे हैं, साथ में मिलके सीख रहे हैं। वी हैव नाउ ह्यूज मॉम कम्युनिटीज जहाँ सब मॉम साथ में मिलके सीखती हैं कि कैसे हम एक अच्छी माँ बने, कैसे क्या करें, अपने बच्चे के टेंटरम से कैसे हैंडल करें। हर माँ अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहती है, तो उन्हें डीमोटिवेट ना करें कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, या इस तरह से नहीं होता है। पहले की जनरेशन में तो सब कर लेते थे, तुमको पता नहीं क्यों लोड लगता है। ऐसा नहीं है, पहले की जनरेशन तो अलग थी, आप लोग बहुत अलग थे। हम हमारे पेरेंट्स को जो रिस्पेक्ट देते थे, क्या वो आज हमारे बच्चे हमें देते हैं? अगर नहीं तो क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर पाना भी एक माँ के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर बच्चे नहीं रिस्पेक्ट देते हैं, तो कोई ब्लेम गेम खेलने में देर नहीं करता है कि माँ ने संस्कार नहीं दिए इसलिए बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, हर माँ चाहती है उसके बच्चे ओबीडियंट रहें। हर माँ का तरीका अलग होता है, कोई कर पाती है, कोई नहीं कर पाती है, बट इट डजंट मीन शी इज फेल। एक माँ किसी को अच्छे संस्कार देने में अच्छी होगी तो एक माँ अच्छा एजुकेशन देने में, कोई माँ स्पोर्ट्स खिलाने में अच्छी होगी तो कोई माँ रीजनिंग कराने। हर एक की अलग क्वालिटी है और हर उस क्वालिटी के साथ एक बच्चे में नई कुछ नया डेवलपमेंट होता है, कुछ नई एबिलिटीज आती हैं जो दूसरे बच्चों से अलग होती हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप कहीं गलत हैं, और ना ही कोई रिलेटिव इस तरह से प्रेशराइज करें मदर्स को कि आप इम्परफेक्ट हैं। आज की जनरेशन की हर माँ एक वॉरियर है जो हमेशा कोई ना कोई नए टास्क से लड़ती रहती है, बच्चों के होमवर्क, बच्चों के प्रोजेक्ट्स, बच्चों की एक्टिविटीज एंड सो ऑन। उन्हें वर्क लाइफ का भी लोड है, हाउस लाइफ का भी लोड है, बच्चों के होमवर्क का भी लोड है, प्रोजेक्ट्स का भी लोड है, और एक से दो बच्चे हैं तो उन्हें एक साथ बैलेंस करके चलने का भी लोड है। तो हर चीज को बैलेंस करते हुए एक माँ को चलना पड़ता है। हर माँ एक वॉरियर है अपने आप में, जो हर चीज को एक साथ बैलेंस करके मैनेज करके चलने की कोशिश करती है। तो हर माँ को उसकी फैमिली भी सपोर्ट करें, उनके साथ ब्लेम गेम ना खेलें, और उन्हें गिल्ट जोन में डालने की तो बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि वो गिल्ट जोन में जाएंगी अगर तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि फिर कई मदर्स को एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना खुद पे ध्यान से दे पाती है, ना बच्चों पे, ना फैमिली पे। तो डियर रिलेटिव, प्लीज मदर्स को गिल्ट जोन में ना डालें। एवरी मदर इज अ गुड मदर। हर माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही चाहती है। तो आप जैसी भी माँ हैं, जितने भी आप में फ्लॉज हैं, उन्हें एक बार कमेंट जोन में जरूर लिखिए। तो जितने भी मदर्स ये वीडियो देख रही हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन अपना कोई कम से कम एक फ्लॉ जो आपको लगता है कि यार ये मेरी इम्परफेक्टनेस एज अ मदर, उसे कमेंट में लिखिए, और साथ में ये भी लिखे, आई एम अ बेस्ट मदर विथ माई इम्परफेक्टनेस। मैं अपनी इम्परफेक्टनेस के साथ भी एक बेस्ट मदर हूँ, बिकॉज यू ओनली नीड टू बी अ बेस्ट मदर, अ गुड मदर फॉर योर चाइल्ड, नॉट अ परफेक्ट मदर। सो यूज राउंड ऑफ अपलॉज for all the imperfect mothers, because no mother is a perfect mother. We all are imperfect in our own unique ways. And remember one thing, your child don't need a perfect mother. They only need a happy mother. A happy mother can raise a happy child. Thank you.